लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के तहत आर्थिक राजधानी मुंबई की 6 सीटों समेत महाराष्ट्र की 13 सीटों पर सोमवार को वोट डाले गए। मतदान के दौरान महायुति और महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर संघर्ष देखने को मिला, जहां नासिक में शिवसेना यूबीटी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच टकराव देखने को मिला, तो वहीं मुंबई के सायन इलाके में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रसाद लाड ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाया है। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान हस्तक्षेप करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया था, तभी उन्होंने धमकी दी। वहीं भाजपा विधायक की शिकायत के आधार पर मुंबई के सायन पुलिस स्टेशन में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस फाइल किया है। इस कार्रवाई के बाद विपक्ष ने पुलिस पर दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया है। फिलहाल सायन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआत जाने के लिए क्या उद्धव जनाब उद्धव ठाकरे ना प्रश्न विचारा, वोट जिहाद शुरू कोणी केलं, मदरसांमध्ये आव्हान कोणी केलं, शुक्रवारच्या मस्जिद मध्ये उभाटाला मतदान द्या, धनुष्यबाणाला मतदान द्या, तुतारीला मतदान द्या हे फतवे कोणी काढले, पुण्यामध्ये नाव घेऊन मुस्लिम समाजाच्या जाहीर सभेमध्ये समाजाच्या भाषणामध्ये नावं आणि निशाण्या कोणी घेतल्या, लव जिहाद ज्यांनी केला, वोट जिहाद ज्यांनी केला, त्यांना वोट यज्ञाने आम्ही उत्तर देणार, यांना भीत नाही, यांना भीक घालत नाही। 4 जून नंतर ईट का जवाब पत्थर से मिले। महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती यशवंतराव चव्हाणांनंतर वसंतदादांनंतर जी शरद पवारांनी बदलली ती आता 2014 नंतर देवेंद्रजींच्या काळात आम्ही सुधरवली, पुन्हा उभाटाचे ठाकरे यांनी ती बिघडवली, आता पुन्हा आम्ही 22 नंतर ती सुधारतोय। आम्हाला लोकशाहीवर विश्वास आहे, लोकशाही भक्कम करण्यावर विश्वास आहे, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानावर विश्वास आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदुत्वावर विश्वास आहे। आगे आगे देखो होता है क्या, ज्यांनी ज्यांनी वोट जिहाद केला त्याला वोट यज्ञाने उत्तर दिलं जाईल। 4 तारखेनंतर ईटचा जवाब पद्धत।